जेई मेन का एक और जबरदस्त सवाल। इस सीरीज में अपन जेई मेन के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखें एक सवाल को, ताकि मेन सवाल में जो दिमाग लगाए पूरे सवाल पूछे हैं वो सारे दिमाग को अपन रीड कर सके और उन पर बेस्ड क्वेश्चन को बना सके। वेक्टर के अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, दिख रहा है कि ले ले वेक्टर क्वेश्चन है, जेई मेन 2018 के अंदर आया था। देखें इसको कहता है, लेट यू बी अ वेक्टर कोप्लेनर विद द वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। यू एक वेक्टर है जो ए वेक्टर के साथ भी कोप्लेनर है और बी वेक्टर के साथ भी कोप्लेनर है। अब भैया थ्योरम इन प्लेन पढ़ाई गई थी, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ अगर कोई वेक्टर कोप्लेनर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट्स के लिए और आपके लिए भी, अगर कोई वेक्टर ए और बी के साथ कोप्लेनर है तो बड़े आराम से यू वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं सम एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर, ये लिख सकते हैं। दो वेक्टर के साथ अगर कोई भी वेक्टर कोप्लेनर है तो उनको उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है, यही है थ्योरम इन प्लेन। इफ एनी वेक्टर इज कोप्लेनर विद गिवन टू वेक्टर्स देन दैट वेक्टर कैन बी रिटन डाउन एज देयर लीनियर कॉम्बिनेशन। अच्छा तो भैया यू वेक्टर अगर ए और बी के साथ कोप्लेनर है तो यू वेक्टर को मैं एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर लिख सकता हूं, बोलो हाँ। सुनाई पड़ा आपने, हाँ बोला। अच्छा अब दो वेरिएबल एक्स और वाई निकालने हैं, उसके लिए हमको दो इक्वेशन दे रखी है। देखो ध्यान से, u वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर, तो u वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू a वेक्टर है तो u वेक्टर डॉट a वेक्टर की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, कोई खास बात नहीं है, और जीरो कर दे इसको। u डॉट a का मतलब एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर डॉट a वेक्टर की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो यहां से आ जाएगा x टाइम्स a डॉट a y टाइम्स b डॉट a इक्वल टू जीरो। आइए a डॉट a की वैल्यू लिख दे, भैया a का खुद के साथ डॉट कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, सही कह रहा हूं मैं, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर। y टाइम्स b डॉट a कितना हो जाएगा, i कैप तो है नहीं तो वहां 0 आ जाएगा, j कैप i कैप j कैप 3 और 1 3 आ जाएगा और k कैप माइनस 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9 एक 10 और 4 14x प्लस 2y इक्वल टू जीरो, बहुत सही। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया कि 7x प्लस y इक्वल टू जीरो, एक रिलेशन से दूसरा रिलेशन और दे रखा है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं जेई में। दूसरी बात क्या पूछी गई है, यू डॉट बी की वैल्यू 24 बताई गई है, तो यू डॉट बी, तो यू वैक्टर डॉट बी वैक्टर अगर 24 हमारे पास निकल के आता है तो यू वैक्टर वापिस कितना हो जाएगा बेटे, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 24, ये अपने को दे रखा है। चलो देखें, तो ए बन जाएगा एक्स टाइम्स ए डॉट बी प्लस वाई टाइम्स बी डॉट बी, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 24, तो एक्स टाइम्स ए डॉट बी, ए डॉट बी को देखें आई आई जीरो हो जाएगा, ए डॉट बी वैसे अपन ने निकाला है 2 आ जाएगा, तो 2x, बी डॉट बी देखें तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2y, इसकी वैल्यू 24 आ, सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब यहां से अगर 2 का फैक्टर हम काट दें तो x प्लस y इक्वल टू 12 निकल, बात बन गई। चलो x प्लस y 12 निकल गया, सॉल्व कर सकते हैं क्या, बहुत आराम सॉल्व कर सकते हैं। 7x y किसके बराबर है, माइनस 7x, y की जगह माइनस 7x रख दूं तो x माइनस 7x माइनस 6x 12 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2, एक्स की वैल्यू माइनस 2 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 2 हो गया 14। और देखिए कि ये दोनों जो वैल्यू निकल के आ रही है वो इन दोनों इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। चलो बात करते हैं, यहां पर x की वैल्यू माइनस 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 14, तो हमारे पास u वेक्टर निकल के आ गया एक्स ए वेक्टर यानी माइनस 2 ए वेक्टर प्लस 14 बी वेक्टर, तो माइनस 2 टाइम्स ए वेक्टर बच्चों कितना 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस 14, b वेक्टर कितना j कैप प्लस k कैप, बहुत अच्छे। तो i कैप तो कितना आ जाएगा माइनस 4i कैप, j कैप कितना आएगा इधर माइनस 6 प्लस 14 तो प्लस 8j कैप, ये लीजिए 3 टू द माइनस 6 प्लस 14, k कैप कितना आएगा माइनस मतलब 2 14 16 k कैप। आपसे लास्ट में मॉड यू का स्क्वायर पूछा गया है, तो आइए यहीं पर देखें मैग्नीट्यूड यू का स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ये हमारे पास निकल के आ गया
4 square plus 4 square kita 16 8 8 kita ho jayega 64 plus 16 ka square hum log calculate kar lete hain 6 6 36 6 1 6 96 16 to now thus wah 256 to answer kita nikal ke aa jayega 256 plus 64 plus 16 to 6 4 10 16 aur 6 6 12 1 13 aur 336 देखो भाई इतनी मेहनत की कोई ऑप्शन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा 336 बिल्कुल ए तो क्लियरली इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए कॉपी कर लीजिए